हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी एक रिसेंटली रिक्रूटमेंट आया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, जिसमें फार्मासिस्ट की 24 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आपको ऑनलाइन फिलअप करना है और इसकी डिटेल्स क्या है। देखिए, इस जॉब पे जाने के लिए, इस पेज पे आने के लिए हमने ये जो बिटली लिंक दी हुई है आपको, ठीक है, बीटली एसएससी फार्मासिस्ट, इस लिंक पे जब अगर आप जाते हैं तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये पेज पे आना चाहते हैं तो सीधे हमारी वेबसाइट पे जाइए, pharmatutor.org। इस वेबसाइट पे जाके जॉब वाले पेज पर क्लिक करिए, यू विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर फार्मासिस्ट अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 24 वैकेंसीज, ये वाली लिंक अवेलेबल है आपके लिए। आप इसके ऊपर क्लिक करिए एंड एज सुन एज यू आर क्लिकिंग ऑन इट, यू विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। इस पेज पे आप आ जाएंगे। ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है फार्मासिस्ट का, 24 पोस्ट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, इसमें दो डिपार्टमेंट में है मेनली। एक है डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन में, जिसमें टोटल 23 पोस्ट है, और दूसरा जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग्स, यानी कि प्रेस सर्विसेज स्टेट लेवल की, ठीक है। तो ये दो डिपार्टमेंट्स में है, एक जेल डिपार्टमेंट है और एक प्रिंटिंग डिपार्टमेंट यानी कि प्रेस डिपार्टमेंट है। जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन के अंदर टोटल 23 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 2, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 11 है। और इसमें जो ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये व्यूमन कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज है उसमें वुमन कैंडिडेट्स के रिजर्व जो है वो 2 पोस्ट है, एससी में 4 है और एसटी में 5 पोस्ट वुमन्स के लिए अवेलेबल है। इसका जो पे मैट्रिक्स रहेगा ये ओडिशा स्टेट के रूल्स के हिसाब से रहेगा, ठीक है। और इसमें जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी है। इसमें डिग्री ऑफ फार्मेसी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। कैंडिडेट हैव पास्ड अ मिनिमम ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, और उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ओडिशा फार्मेसी काउंसिल में, जो मैंडेटरी है। ओडिशा फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और सेम वे जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है उसमें एक पोस्ट है जो एसटी के लिए रिजर्व है, जिसमें भी 7th पे कमीशन रहेगा वो स्टेट के रूल्स के हिसाब से, और जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम 38 ईयर्स है, और एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा एससीबीसी एसटी एसटी और वुमन कैंडिडेट्स के लिए। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको क्या क्या मतलब चीजें होनी चाहिए उनकी सर्विसेज के थ्रू, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई। डेफिनेटली यू शुड कम, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। एलिजिबिलिटी जो है, जो हमने बेसिकली जो क्वालिफिकेशन देखी, उसके अलावा आप इंडियन सिटीजन डेफिनेटली होने चाहिए, ठीक है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपकी जो स्कूलिंग है ना वो उड़िया लैंग्वेज में होनी आवश्यक है। तो जनरली अगर आपने 10th और 12th किया है ओडिशा से, तभी संभावना है कि आप उड़िया स्कूल से पास आउट है। अगर कहीं बाहर से भी अगर पास आउट है, फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन ओडिशा फार्मेसी काउंसिल में होना आवश्यक, ठीक है, वो चीज मैंडेटरी। तो ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप डेफिनेटली पढ़ने हैं आपको आके यहाँ पे, ठीक है। और जो बहुत सारी ये नोट के अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स जो दी गई है,
वो आपको पढ़नी है। और इस जॉब को अप्लाई करने से पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, ये सारे आपको ध्यान से पढ़ने हैं सारी चीजें, ठीक है। और पोस्ट में जब आप अप्लाई करोगे तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन वो अप्लाई करने से पहले जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी पढ़नी जरूरी है। देखिए, अगर 9,000 से कम कैंडिडेट अगर रहेंगे तो मेरिट लिस्ट के थ्रू ही सीधा इसमें फिलअप किया जाएगा कैंडिडेट्स को, लेकिन मेरे ख्याल से तो 9,000 से ज्यादा हो ही जाएंगे, तो इन दैट केस प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी। और जो एग्जामिनेशंस रहेगी वो जनरली 200 मार्क्स का टेक्निकल पेपर रहेगा, और एग्जामिनेशंस की जो भी बहुत सारी डिटेल्स है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जो आप आके यहाँ पर पढ़िए ये सारी चीजें, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और अगर ये 9,000 से ज्यादा हो ही जाएगा कैंडिडेट, ऐसा मतलब है एक टारगेट माइंड में कि ये हो जाने चाहिए, तो डेफिनेटली आप एग्जाम के थ्रू ही इसमें फिलअप होगी जो भी वैकेंसीज है वो, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जरूर पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की है, वो आप सारी आके यहाँ पर पढ़ लीजिए ये सारी डिटेल्स, ठीक है। बहुत सारी स्मॉल स्मॉल डिटेल्स है उसमें मेंशन की गई है, ये सारी स्मॉल स्मॉल डिटेल्स आप इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए आके, ठीक है। अभी अप्लाई ऑनलाइन जो करना है, ये स्पेसिफिक वैकेंसी में सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रोसेस से ही अप्लाई करना है, यानी कि ऑफलाइन या कहीं पे पोस्ट से भेजना है ये प्रोसेस नहीं करनी है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो डिटेल्स है, वो जो वेबसाइट पे जाके वो डिटेल जो हमें देनी है, उससे पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए अवेलेबल, तो वो सारी डिटेल्स प्रीरिक्वायर्ड्स जो है वो यहाँ पर हमने मेंशन की है, कि आपके फोटो, आपके लेफ्ट राइट थंब के इम्प्रेशंस, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, और ये सारी बेसिक बेसिक जो डिटेल्स है वो आपके साथ हो, जेपीईजी और जेपेक के फॉर्मेट में आपके फोटोज होने चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मेंशन है कि क्या क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो रिजर्व कैटेगरी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके एक्स सर्विसमैन के जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिटी कार्ड्स है, वो सारी चीजें आपकी होनी चाहिए जो आपको अपलोड करनी है वाइल अप्लाई ऑनलाइन। अब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 28 अगस्त से, ठीक है, तो अभी 2-3 दिन के बाद ये स्टार्ट होगी। लास्ट डेट है जो इसकी 25 सितंबर है, मतलब कि ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 1 मंथ, 28 डेज है, मतलब तब तक रहेगा आपके लिए ओपन। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 25 सितंबर है, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप की वो 28 सितंबर है, मतलब 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और एडिटिंग के लिए 1 अक्टूबर तक आप एडिट कर सकते हैं जॉब, मतलब जो भी डिटेल्स है उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिटेल्स हमने आपको प्रोवाइड की है कि कैसे आप अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए ये लिंक दी है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यू विल रीडायरेक्ट ऑन द पेज जो स्टेट OSSC का जो पेज है, ठीक है, तो आप वहां पर सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और इस पेज के अंदर यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन का बटन है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। आई होप यू कैन सी दिस पर्टिकुलर बटन, तो यहाँ पर आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन के इस बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको जॉब दिखेगी, मतलब कि ये पर्टिकुलर
स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दिखेगी और जहां पर आपको उसको रजिस्टर करना है वहां से अप्लाई करना है। ठीक है, अभी अगर आप जाओगे ना तो अभी आपको वहां पर नहीं दिखेगा क्योंकि 28 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो वे 28 अगस्त के बाद ही आपको वहां पर वो पोस्ट की डिटेल्स दिखेगी। ठीक है, उड़ीसा के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो रिक्रूटमेंट आया है उसकी ये डिटेल्स है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और डेफिनेटली आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.